गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन इंग्लिश वी विल डू अ ग्रामर पोर्शन इन विच इन दिस दिस फिल इन द ब्लैंक्स वी विल यूज इज एम एंड आर. ओके, यू हैव टू यूज इज एम आर एंड कंप्लीट दिस ऑल दिस सेंटेंसेस. आपको इसमें इज एम आर का यूज़ करके इन सब सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट इज आई डैश वेरी टॉल, आई प्ले बास्केट. ओके, मैं बहुत लंबा हूँ. आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? आई एम. आप देखेंगे आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है. इज किसके साथ होता है? इज जब आप अकेले होते हो, जब कोई अकेला होता है तब हम इज यूज़ करते हैं, जैसे शी ही. ओके, एंड आर. आर कब यूज़ होता है? आर का यूज़ हम करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, मोर देन वन. मोर देन वन, जब मोर देन वन होते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं. ओके, नो स्टार्टिंग फॉर वन. I dash very tall, I play basket. तो इसमें क्या आएगा? I am very tall, I play basket. Okay? Next is she dash my best friend, she dash nice. यहाँ पे क्या आएगा? She और he के साथ मैंने क्या बताया? She और he के साथ हमेशा क्या आता है? Is. Okay? तो यहाँ पे क्या आएगा? She is my best friend. She is nice. Okay? Second one में is use होगा. Now third, my father dash a teacher in my school. Okay? यहाँ पे एक person है, जब एक person होता है तो हम is use करते हैं, तो third वाले में भी क्या आएगा? Is. Okay? Now fourth, we dash in the museum. We मतलब ज़्यादा लोग, मोर देन वन. तो यहाँ पे क्या आएगा? आर. यू डैश अ फुटबॉल प्लेयर, यू आर. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? यू आर अ फुटबॉल प्लेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जैक. जैक इज अ स्टूडेंट इन माय स्कूल. इज पीटर एंड जैक्स आर ब्रदर. एक से ज़्यादा हैं तो क्या यूज़ होगा? आर. नाउ द डॉग इज वेरी स्मॉल, दे आर माय ग्रैंड पेरेंट्स. आना इज एट द एयरपोर्ट. माय ब्रदर इज older than me. Okay? I के साथ क्या बताया था मैंने? am. I am in Spain. Now last 13, you are a very kind person. You and I are classmates. ओके, आर क्लासमेट्स. माय फ्रेंड इज हेयर, यहाँ पे क्या आएगा? माय फ्रेंड इज हेयर. ओके, यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हैं जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ब्राउन, कलरफुल, ब्यूटिफुल, वाइट, क्यूट, टेस्टी, ओल्ड. ओके, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं आपको इनको कंप्लीट करना है. ओके, जैसे हम फर्स्ट वाला देखेंगे, दिस इज़ अ पार्क. ये पार्क आपको दिख रहा है, ये पार्क कैसा है? ब्यूटीफुल. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे ब्यूटीफुल. सेकेंड देखेंगे आप, ये हैट है. हैट किस कलर की है? ब्राउन कलर की. द हैट इज ब्राउन इन कलर. तो ब्राउन यहाँ लिखेंगे, ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखेंगे. ओके,
Now third one is ball. The ball is very colorful. Ball कैसी है? बहुत ही colorful है. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ball is very colorful. Hat का color brown. Beautiful. Now fourth one is cookies are very tasty. Cookies कैसी होती है? बहुत tasty होती है ना? तो cookies are very tasty. Policeman helping the dash lady to cross the road. Policeman किसी help कर रहा है lady की, old lady की road cross करने में. तो यहाँ पे क्या आएगा? Old. The dash peacock is dancing with joy. Peacock किस color का है? White. तो यहाँ क्या आएगा? White. The lion cub is very cute. Okay? इस तरह से आपको इन words को इन fill in the blanks में कंप्लीट करना है और इस वर्क को कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.